हालांकि इस पूरे मामले में बिहार लौट रहे मजदूर कुछ और भी दावे कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा विवाद की वजह क्या है। मजदूरों का दावा है कुछ महीने पहले बिहार के मजदूर स्थानीय मजदूरों के बीच बैठक हुई। ध्यान से देखिएगा आप, मजदूरों का दावा है कि तय हुआ कि मजदूरी 1000 से 1200 रुपए लेंगे। बिहार के मजदूर 800 रुपए में ही काम करते रहे। बिहार के मजदूरों ने कहा कि जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां विश्वास है, ये उनका कहना है। फिर दिखाइए, फिर इसके बाद ये जो फैक्ट सामने आए हैं, तय हुआ ये उनका कहना है। फिर बिहार के मजदूरों ने कहा कि जिस कंपनी में काम करें उसमें उनका विश्वास है। सीधे आइए, मैं सीधे चलता हूं हमारे सहयोगी रूपेश, इस वक्त हमारे साथ है। रूपेश, मुझे एक बात बताइए, अभी इसको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या तैयारी की जा रही है, क्या कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे कि आगे ना हो? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने डीजीपी और गृह सचिव को आज तलब किया था बिहार विधानसभा में, जब पूरे दिन हंगामा हुआ और विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। और उसके बाद से अभी चार अधिकारी, बिहार के जो चार वरिष्ठ अधिकारी हैं, आज इसमें आईएएस शामिल हैं और आईपीएस हैं, जिनमें दो तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं, बिहार कैडर के हैं, बाला मुरुगंडी और पी कन्नन। पी कन्नन डीआईजी हैं सीआईडी के, और बाला मुरुगंडी भी ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव हैं और श्रम विभाग के दो अधिकारी हैं। ये चार अधिकारी कल अहले सुबह तमिलनाडु के लिए निकलेंगे, और उसमें जानबूझ करके दो ऐसे अधिकारियों को शामिल किया गया है जो तमिलनाडु के ही हैं और बिहार के वरिष्ठ अधिकारी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले एक महीने से बिहार के मजदूरों पर यह दबाव बन रहा था कि आप सस्ता श्रम न बेचें, यानी कि आप 800 रुपया नहीं 1200 रुपया लें। और इस बीच में 19 फरवरी की घटना है जब बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के ही रहने वाले दो लोग जब कपड़ा धो रहे थे, उस दिन उनका वीक ऑफ या छुट्टी रही होगी, उस दौरान उनके ऊपर हमला होता है और दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन उस गाँव के अलावा जितने मजदूर, होली का वक्त है, जाहिर सी बात है कुछ मजदूर प्री प्लान्ड रूप से भी बिहार वापस लौट रहे हैं, लेकिन जमुई के सिकंदरा प्रखंड के उस गांव और उसके आसपास के मजदूरों के अलावा जितने मजदूर वहां से वापस आए हैं, चाहे वो मोतिहारी के हों या दरभंगा के या फिर कोसी के इलाके के, बड़ी संख्या में मजदूर वहां रहते हैं, उनमें से किसी ने भी, अब तक जितने लोग लौटे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ मारपीट हुई है। सब ये कह रहे हैं कि मुझे खबर मिली, मुझे सूचना मिली। लेकिन जो दो, यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।